तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि एक फोटोन है इज इमिटेड बाय हाइड्रोजन आटम इन बामर सीरीज। बामर सीरीज कब बनता है, हम सबको पता है कि ये एन इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। एन इज इक्वल टू 1 है, 2 है, और एन इज इक्वल टू 3 है, एन इज इक्वल टू 4 है, एन इज इक्वल टू 5 है। ये अपर एनर्जी लेवल बहुत पास पास होती है, मैं थोड़ा सा पास पास नहीं बनाया हूँ आपको समझने के लिए। तो बामर सीरीज तब होती है जब एन इज इक्वल टू 2 में जंपिंग होती है। तो 2 में कहाँ से जंपिंग होगी यार, तो 2 में हायर ऑर्बिट से जंपिंग होगी, यहाँ से अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो यहाँ से जो फोटॉन्स बाहर आएगा तो वो बामर सीरीज वाला फोटोन होगा, और बामर सीरीज के लिए एन वन इज इक्वल टू 2 में जंपिंग होगी, और एन टू इज इक्वल टू कितना, 3 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, 5 से हो सकती है, डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये बामर सीरीज में कोई फोटोन बाहर आया होगा, हमको ये बात यहाँ नहीं पता है प्यारे बच्चों कि वो फोटोन कहाँ से बाहर आया है, बट हमको पता है कि बाहर तो आया है। तो ये जो फोटोन बाहर आया है, चलो ये तो एक पहली कहानी रही। दूसरी कहानी में ये कहते हैं, ठीक है, दूसरी कहानी ये है कि चलो ये फोटोन बाहर आ गया, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी कहानी में कहते हैं कि ये जो फोटोन बाहर आया और वो जो इलेक्ट्रॉन जंप किया, वो कहता है एनदर फोटोन जंप इस फोटोन को, ये जो फोटोन आ रहा है इसको दूसरा कोई फोटोन फॉलो कर रहा है जो कि लाइमन सीरीज में है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो यार इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम में एक एटम हाइड्रोजन का, वो अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो अकेला इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, हमें पता नहीं कहाँ रहा है। तो वो जंपिंग किया है तो ये फोटोन बाहर आया है। तो अब वही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ठीक है ना, एन इज इक्वल टू मान लो 4 में था, तो वो 2 में जंप कर गया। अब 2 से वही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किस में, वो 2 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में, तब तो लाइमन सीरीज बनेगी यार, लाइमन सीरीज। अब हर एक जंपिंग में एक फोटोन बाहर आता है, तो एक फोटोन यहाँ से बाहर आ जाएगा जो पहले वाले फोटोन को फॉलो करेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो फोटोन बाहर आया, इस फोटोन की वेवलेंथ हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए हम सबको पता है इसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये हम सबको पता है यार, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर प्यारे बच्चों हमको इन दोनों के बीच जो, जहाँ से इन दोनों के बीच अगर जंपिंग हुई है, तो इनके बीच अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो इस फोटोन की वेवलेंथ, जो फोटोन लाइमन सीरीज में आया है, इस फोटोन की वेवलेंथ निकल जाएगी। तो इस वाले फोटोन की जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू SC अपॉन डेल्टा ई एनर्जी। तो SC अगर मैं नैनोमीटर में निकाल रहा हूँ तो 12 नंबर 402, और एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -3.4 और -13.6। तो -13.6, तो 12 नंबर 402, और ये आ जाएगा 10.2। तो फाइनली जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2 और 1.7, फाइनली अप्रोक्सीमेटली 1.22 नैनोमीटर। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है।